हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी से और टेस्टी से साबुत मूंग के पराठे की रेसिपी। इसी के साथ हम लोग मेथी भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये पराठा। अगर आपको सफ़र में भी इस पराठे को लेके जाना है तो आप वो भी लेके जा सकते हो। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन। तो एक जो लहसुन की आती है कली, उसको मैंने पूरा लिया है। इसी के साथ दो हरी मिर्ची और इसी के साथ एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे चॉपर, इसको और हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक को हम सबको दरदरा हम लोग को पीस लेना है। आप चाहो तो मिक्सी जार में भी कर सकते हो ऐसा। और यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से, मूंग को अच्छे से दरदरा सा पीस लिया। इसी के साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर डालना है साबुत जीरा, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। इसी के साथ यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हमने हरी मिर्ची ली है तो लाल मिर्ची उसी हिसाब से लें आप। इसी के साथ हम लोग कसूरी मेथी और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हम लोग नमक। तो जितना हम लोग आटा लेंगे और जितना हमने मूंग लिया उस हिसाब से हम लोग को ऐड करना है। इसी के साथ यहाँ पर मैं एक कटोरी ले रही हूँ बारीक चॉप की हुई मेथी। और इसी के साथ हरा धनिया भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच के करीब हम लोग बेसन ऐड करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर 1 कप हम लोग लेंगे गेहूं का आटा। थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ इसी के अंदर। और इसी के साथ थोड़ी सी हींग ऐड करी है मैंने। और अच्छे से इन सबको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद में आपको जितनी ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी लीजिए। और पानी को अच्छे से, पानी के साथ इसको हम लोग को आटा गूंथ लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाना है। तो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लग रही है उस हिसाब से मैंने पानी लिया है। और थोड़ा सा घी लगाकर एकदम अच्छे से मसल कर इसको सॉफ्ट कर लेंगे और थोड़ी देर तक साइड पे रखेंगे। और जब ये अच्छे से थोड़ा सा फूल जाएगा तब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इसी हिसाब से सभी लोई बनाकर थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसकी हम लोग को छोटी छोटी साइज में पूड़ी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, एकदम थोड़ी सी थिक बेलनी है। और फिर उसके बाद में इसको कोई शेप में आपको कट करके लेना है। तो कट करके अच्छे से घी में इस पराठे को सेकिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ये पराठा। थोड़ा सा थिक बनाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो हमने मूंग ऐड किया है वो दरदरे कूट कर लिए। तो बहुत ज़्यादा पतला करने से पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो छोटी छोटी साइज में अच्छे से पराठे को बनाइए और दोनों साइड से अच्छे से घी में इसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये पराठा। तो इसी हिसाब से सारे पराठे हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी से हमारे हरे मूंग और मेथी से बनने वाले पराठे, जिसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहो तो दही, रायता या फिर टोमेटो केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और चाय के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। थैंक यू, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इंजॉय।